हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप? सब मुझसे शेयर करना, उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने नन्नू के स्कूल से वापसी की है। और एक ये पोटली आप देख सकते हैं, ये मम्मी के रूम पे कुछ कपड़े रखे थे तो वही लेकर के आए हैं। और यहाँ पर देखिए चल रहा है मेरा सफाई अभियान। हाँ जी, तो मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। और जब सामान बिखरा होता है तो मेरी नन्नू बहुत खुश होती हैं, उनको बिखरा हुआ सामान बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस नन्नू के लिए फटाफट से उन्होंने जो मांगा उनकी फरमाइश पे दे दिया बना के। और बस देखिए नखरे देखिए जरा नन्नू के, क्यूटी पाई के। तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे और यहाँ पर मैं फिर से सफाई में लग गई हूँ। तो किचन की डीप क्लीनिंग करी है जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट मैंने कहा मम्मी आ जाएंगी तभी करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मम्मी से तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मम्मी भी हेल्प करा लेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ पाती वो मम्मी बता देती हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान था जो मैं फेंकने भी वाली थी, बट मम्मी ने कहा नहीं इसको मत फेंको, रख दो, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो इस तरीके से दो लोगों में, तो बस क्या करना है, चलिए सफाई अभियान अपना लगाते हैं। और इधर देखिए कितने सारे ये सामान निकले हैं फालतू में, इनको हटाना है। और जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है डीप क्लीनिंग होने के बाद जैसे बोझा सा उतर गया है माइंड से, सर पे कोई बड़ा पत्थर रखा था वो उतर गया, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। गंदगी में रहे रहे माइंड भी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोझ बोझ सा हो जाता है। तो मैं कर क्यों रही हूँ आज, एक्चुअली कल है शीतला अष्टमी, तो उसकी पूजा करनी है। पहली बारी मैं करूँगी अपने नए घर में ऑब्वियसली। तो उस चक्कर में मुझे जब कोई पूजा पाठ होता है या कुछ होता है त्यौहार वगैरह, तो मुझे सब कुछ साफ साफ अच्छा लगता है। तो मैंने कहा किचन की सफाई तो करनी है, बट हाँ ये नहीं सोचा था मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा हल्की सी डीप क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि मैं एक दिन पहले या उसी दिन अगर थोड़ा बहुत करना हो तो मैं किचन को ज़रूर क्लीन करती हूँ प्रॉपर तरीके से पूजा वाले दिन या त्यौहार वाले दिन। बट चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया जितना सोचा नहीं था। पता है क्या होता है, मेरी आदत ये करने चलती हूँ, ये कर लूँ, अच्छा ये काम कर लूँ फिर उसके बाद नहीं करूँगी। मतलब मेरे माइंड में ये हो जाता है, अच्छा वो दिख गया तो वो कर लेती हूँ, बस इसके बाद नहीं करूँगी। तो ऐसे करते करते घंटों बीत जाते हैं मेरे साथ कि अच्छा ये कर लूँ फिर नहीं करूँगी, बट काम पे काम में करती रहती हूँ। तो यही आदत से मम्मी की भी है, और सफाई की आदत मुझे मम्मी से ही लगी है, बचपन से सीखा है मैंने सफाई में रहना। तो इस वजह से मुझे गंदगी पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपनी माँ को रहते हुए देखते हैं साफ सफाई से या गंदगी से, वैसे ही हम खुद रहने लगते हैं बड़े होकर के। तो मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, मम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐसे आप सोचो। तो बस यहाँ पर मैंने बार काउंटर वाला जो ड्रॉर था वो भी सेट कर दिया है, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने शायद अभी तक बार काउंटर का मैंने नहीं शेयर किया है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें करके फिर मैं आप लोगों के साथ तसल्ली से शेयर करूंगी उनको। और यहाँ पर मैंने जो होली वाली ट्रे है उसको वॉश कर दिया था और अच्छे से फैन में सुखा लिया था। थोड़ा बहुत फिर भी मैंने कपड़े से, सूखे कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया है। और देखिए कितनी शाइन, एकदम शाइन क्या, मतलब न्यू है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। जिन्होंने नहीं देखी है तो देख लें, ये मैंने ली थी 500 समथिंग की थी, तो इस वजह से शाइन तो करेगी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने परचेज कर ली। तो बस यही सारे काम होते हैं नॉर्मल किचन के। और किचन ऐसी चीज़ होती है, किचन और अलमीरा दो ऐसी चीज़ होती हैं कि इनके कामों की कोई हद ही नहीं होती है। इतना फैलावा फैलता है, इतना काम बढ़ता है कि आप पूछो ही मत। किचन में और कपड़ों में यही दो मेन काम होते हैं घर के, जो मेजर होते हैं। तो बस आप समझ सकते हैं किचन एक बार खुल गई तो क्या हाल होता है। और इधर आप इसकी देखिए हालत, काउंटर टॉप की सफाई करते करते क्या गत हो गई है। तो पहले मैं इसको सारे को सूखे कपड़े से झाड़ दूंगी अच्छे से, ताकि जो मेरी आदत है जैसे कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा हो, पहले मैं एकदम ड्राई कपड़े से, सूखे कपड़े से झाड़ती हूँ, ताकि उसी में ना गीले में लबेड़ ना जाए सब कुछ। तो इस वजह से मेरी ये आदत है।
तो पहले मैं सूखे कपड़े से झाड़ दूंगी, फिर नॉर्मल विम लिक्विड से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी स्क्रब करके, और उसके बाद एक गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। और मेरी एक और आदत थी काउंटर टॉप को धुलने की, धुलाई करने की, और मैंने किया भी है, बट यहाँ हॉप की वजह से ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं धुलाई पॉसिबल नहीं है। तो मैं 2 बार गीले कपड़े से अच्छे से, 2-3 बार जितने भी बार नीड लगता है, मैं उतने बार अच्छे से मैं काउंटर टॉप को पोंछ देती हूँ। अच्छे से स्क्रब कर लिया और 1 बार 2 बार 3 बार गीला कपड़ा लेके पोंछ दिया, लास्ट में सूखा कपड़ा ले लिया और फैन चला देती हूँ, तो ऐसे भी सूख जाता है, टाइम नहीं लगता है। और सेम मैं हॉब वगैरह सब कुछ मतलब A to Z नीट एंड क्लीन कर दूंगी, ताकि कल के लिए कोई काम ना रहे, और एकदम साफ साफ किचन को देख के इतनी पॉजिटिविटी लगती, इतना अच्छा लगता है। कोई पूजा पाठ होती है और ज़्यादा रौनक आती है घर में, काम करने में भी मन लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही बनेगा पूजा का खाना, तो वो सारी चीज़ें गंदगी में तो नहीं कर सकते हैं ना। और आज क्या हुआ, आज तो मेरी किचन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन हो गई है, जितना सोचा भी नहीं था, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर किचन क्लीन हो गई है, उसके बाद मैंने पूरे घर को क्लीन किया था, इसी में आज का दिन चला गया। बाहर वाला रूम, अंदर वाला रूम, थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, मतलब ओवरऑल पूरे घर को भी, मैंने कहा लगी हूँ, लगे हाथों गंदी तो होंगी, नहाना तो आई, तो ये सब कर देती हूँ, बट वो सब मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि यार क्लीनिंग क्लीनिंग हो जाता पूरे ब्लॉग में। फिर मैं आपसे डायरेक्ट ना नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, जिस दिन पूजा है। तो सबसे पहले शीतला अष्टमी को देखिए होता क्या है, कहीं कहीं एक दिन पहले ही प्रसाद बना के रख लेते हैं, बट मेरे यहाँ बनाते तो उसी दिन है, क्योंकि शीतल खाना, ठंडा खाना माता रानी को चढ़ता है, तो इस वजह से उनको ठंडा करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने नहा करके मैंने जो माता रानी का प्रसाद है, इनको मैं टिकिया बोलती हूँ, हमारे यहाँ टिकिया बोला जाता है, तो वो चढ़ती हैं। तो एकदम छोटी छोटी लोई, एकदम छोटी छोटी मतलब लोई की, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरीके का साइज़ है, तो बस इतनी छोटी छोटी लोई की टिकिया बेल करके, छोटी पूड़िया बोल लो, वो बेल करके सेकनी होती हैं, काउंटिंग की वही 9 टिकिया समथिंग होती हैं। तो इनको सबसे पहले देसी घी में सेकना होता है। और दूसरी तरफ आप कढ़ाई पे देख सकते हैं मठे के आलू चढ़े हुए हैं, दही आलू आप बोल लो, हमारे यहाँ मठे के आलू बोलते हैं, जिसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, 1000 बार शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी रेसिपी का, आप लोग देख लेना फटाफट से, क्योंकि पूजा में लेट ना हो जाए, इस वजह से सब काम करे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकियाँ, और जो टिकियाँ होती हैं उनको देसी घी में ही सेकना रहता है, किसी भी रिफाइंड या ऑयल में नहीं, प्रसाद की भोग की टिकियाँ ये सेकती हैं। तो मैं पहली बार मतलब ऐसे पूजा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि कोई चीज़ पहली बार करो तो मन में कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। बस सारी टिकियों को मैं इसी तरीके से सेक करके रख लूँगी, उसके बाद अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, बस नहा के निकली, झट से बाल ऐसे उल्टे सीधे जूड़ा लगाया और मैं काम करने आ गई, इसके बाद ही मैं चेंज करूँगी जा करके। तब तक ये जो टिकियाँ सेक रही हैं वो एकदम ठंडी भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चेंज कर लिया है, और आज मैंने पहना है ये वाला सूट पिंक कलर का, क्योंकि पूजा में ऐसे लाल, पिंक और येलो ये कलर ही चलते हैं, तो इस वजह से मैंने ये पहना है, फुल पिंक कलर का सूट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो बस रेडी हो जाऊंगी अब मैं, देखिए बाल भी पूरी तरीके से गीले हैं, जूड़ा खोला तो एकदम गीले बाल निकले हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई हूँ, सबसे पहले मैं जो पूजा है वो कर लूंगी भगवान जी की। पर मैं पूजा कर रही हूँ, और जो भोग है वो पूरी तरीके से एकदम ठंडा हो चुका था, मतलब हल्का सा गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा ठंडा होना चाहिए, मतलब आप टच करो तो वो गर्म ना लगे, ठंडा लगे, तो इस तरीके का होना चाहिए। तो बस अब वही मैं नॉर्मल जो पूजा होती है वो करूँगी, उसके बाद जो भोग है वो लगा दूँगी, और उसके बाद जो किचन में ही जाऊँगी, मुझे किचन में थोड़ा सा काम करना है, और मम्मी ऑलरेडी से है किचन में, तो मम्मी ने उतनी पूड़ियाँ बेल करके रख ली थी, तब तक तो मैं वही सेक रही हूँ, और उसके बाद बनेंगी कचौड़ियाँ, जो कि मम्मी एकदम उनको
आप समझ सकते हो, मम्मी लोगों को तो महारत हासिल होती है हर चीज़ में, मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनती हैं। और मैं एकदम ऑनेस्टली हर चीज़ बता देती हूँ यूट्यूब पर, मुझे झूठी तारीफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो मुझसे कचौड़ियाँ उतनी अच्छी नहीं बनती हैं, तो इस वजह से, और मुझे मम्मी के हाथ के कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, दुनिया की सबसे अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से अब जब वो हैं तो मैं उनसे ही बनवाऊंगी। तो देख सकते हैं कि आप मम्मी अपना जो कचौड़ियाँ हैं वो बना रही हैं। ना कचौड़ी मैंने बेली है, ना कचौड़ी मैंने भरी है, ना कचौड़ी मैंने सेकी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और एकदम यमी कचौड़ियाँ खाना चाहती थी। बट चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। मैंने बनाई तो है बट मुझे माँ के हाथ की पसंद है, तो इस वजह से मैं वही खाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सिक गई हैं, मठे के आलू भी कंप्लीट है, रेडी हैं। और उसके बाद हम लोग जो छोटा सा हवन होता है, आप अग्यारी बोलो, वो लगा रहे हैं। और खाना पूरा इसलिए पहले बना लिया, अभी आपको पता चलेगा, उसके बाद जो अग्यारी है वो की थी, क्योंकि ये लगाना माता रानी की ज़रूरी है आज के दिन। और अग्यारी क्या, वो तो आप डेली लगाओ, उसकी कोई पूजा पाठ की कोई सीमा नहीं होती है, जितना करो उतना ही कम है। और नन्नू को मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर चीज़ के लिए, नन्नू एकदम आगे रहती हैं, चाहे कोई काम हो गया, पूजा पाठ हो गया, कुछ हो गया, ये एकदम आगे रहती है। तो बच्चे होते हैं ना, उनको शौक ही लगता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कोई भी बड़े काम करते तो उन्हें जरा पहले करना होता है। तो मम्मा जी भी अग्यारी लगानी है बोल रही थी, तो हमने कहा चलो, वैसे भी बच्चों को ये सारी चीज़ें अपने पूजा पाठ की धर्म की चीज़ें सिखानी चाहिए बचपन से ही, तभी उनकी आदत भी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्नू को कितना शौक आ रहा है सारी पूजा पाठ सब करने का। और आज मैडम ने पूरा मेकअप किया हुआ है, पूरा अपने आप से मेकअप किया, रेडी हुई है अच्छे से, और ये वाली ड्रेस पहनी है, और देखिए बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई है, पूरा एकदम छोटी कन्या माता रानी बनी घूम रही है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा खाना भी एक उसमें निकाल के लगा दिया है, ये प्लास्टिक की जो प्लेट होती है उसमें लगा दिया है। और एक कन्या बुलाई थी मैंने बाहर से, उनको दे दिया, दक्षिणा दे दी। जो कन्या होती हैं वो माता रानी का ही रूप मानी गई है। कन्या पूजन हमारे देश में सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलूँ, हाँ मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने लास्ट व्लॉग डाला था नन्नू के स्कूल के फंक्शन वाला, उसको आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, उस पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए मेरे नन्नू के लिए। तो देख करके दिल खुश हो जाता है कि आप लोग कितना प्यार करते हो नन्नू को, एकदम अपनी बेटी की तरह समझते हो, क्योंकि कमेंट से ही फीलिंग्स पता लग जाती हैं, इतने दिल से इतने प्यार से बात करते हो। और एक कमेंट तो मेरे दिल को छू गया, उन्होंने जैसे बोला कि हेलो दिव्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने बच्चे को आगे बढ़कर बढ़ते देख हर माँ खुश होती है, और नन्नू तो सबकी प्यारी है, नन्नू ऐसे ही आगे बढ़ती है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट नन्नू से रिलेटेड आए हैं, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतने प्यार दिखाया, इतना आशीर्वाद दिया मेरी नन्नू को। बस मैंने अपना सब ज्वेलरी ज्वेलरा उतार लिया है, अभी मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पर, 2 घंटे बैठ के आई हूँ गप्पे मार के, परपंच करके। मेरी मम्मी 2 घंटे अकेली रही मेरी मम्मी जो है अकेली रही, हेलो हमें छोड़ के चली गई अरे वो काफी दिन से बुला रही थी, मैंने कहा आज चले जाते, वरना अच्छा नहीं लगता है ना। अभी बना रही है चाय, ये है माँ के हाथ की चाय, माँ का प्यार। नन्नू वही खेलती है, बहुत खेली नन्नू, 5 बजे से खेल रही। चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय। एक छोटा कप और निकाल लो, छोटा कप, छोटा कप, छोटा कप, हटो हटो, नन्हे वाला कप निकाल ले क्या।
ये छोटू कप, छोटू छोटू कप। तो वैसे तो मैं चाय अब बहुत कम कर दी है, बट बहुत थकान हो गई थी। सुबह 5 बजे से आज लगी हुई हूँ सारे कामों में। बहुत स्पेशल दिन था आज, शीतलाष्टमी की पूजा थी मेरे घर में, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया। और बस चाय पीऊँगी और रिलैक्स करूँगी।